वाला है, ट्रेलर से तो पता चलता ही है, पर फिर भी थोड़ा सा अगर बता दो। ये पांडुरंग है जो शीला का हस्बैंड है, शीला माय नेम इज शीला, जिसपे पूरा ये वेब बेस है। तो शीला का जो हस्बैंड है उसको कुछ काम धंधा नहीं करने का, बस बीवी की कमाई पे खाना है और दारू पीना है, रोज़ दारू पीना है, उसको लाइफ एंजॉय करना है। पर होता क्या है कि ये शीला की लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि उसका एक हिडन टैलेंट है जो कोई देख लेता है और उसको एक स्टैंड अप कॉमेडी के लिए खड़ा करता है। तो अचानक होता क्या है कि मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि ये जो शीला है वो अचानक बड़ी होने लगती है, और जो पांडुरंग है उसको लगता है कि नाउ इफ़ आई लेट हर गो शी वोंट कम बैक टू मी। और एक हस्बैंड का इनसिक्योरिटी कि अभी ये चली जाएगी, अभी मैं क्या करूँगा, उसको अच्छा भी लग रहा है, लोग रास्ते में मिलकर सेल्फी ले रहे अपनी बीवी के साथ, बोलता क्या चल क्या रहा है ये, और बीवी भी इसको बहुत कंसल्ट करती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको भी लगता है कि देखो मेरे को, मैं एक बड़ा आदमी हूँ, मेरे को पूछ रही है वो। और वो बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है दोनों का, प्यार है, गुस्सा है, झगड़े हो रहे दोनों को, दोनों मारामारी करते हैं एक दूसरे के साथ, फिर भी दे आर टुगेदर, वो एक साथ है अपने अपनी बेटी के लिए, दोनों बहुत झगड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और वो स्ट्रगल एक इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है दोनों का, और मुझे लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन्स है, बहुत रियल लगने वाले सीन्स हस्बैंड वाइफ के बच्चे के साथ है, तो मुझे लगता है कि वो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। नहीं मुझे पता नहीं था, जब वहाँ गया तभी मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा होता है कि, और उसके पहले मैंने एक्चुअली वो जो जो रियल कैरेक्टर है उसका शो मैंने देखा था, तो मैंने कहा था अरे इंटरेस्टिंग है, मतलब सोशल मीडिया का आजकल जो फ़ायदे में है उसमें एक अच्छा एक कोई टैलेंट को आप ढूंढ निकालते हैं और सडनली वो स्टार बन जाता है, तो उसको कुछ तो रिकग्निशन मिलता है और उसका कुछ लाइफ बन जाता है, तो मुझे ये आइडिया अच्छा लगा। और मुझे वो एक्चुअली उसका हस्बैंड का कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग लगा कि एक आदमी पीछे खड़ा है और उसको पता नहीं क्या उसके लाइफ में अचानक कुछ तो होता है, जैसे लॉटरी लगी, लगने के बाद तो समझ में नहीं आता है, वैसे उसको लग रहा है कि लॉटरी लग गई है, अभी अभी पता नहीं पैसे का क्या करने का, और उन लोग का प्लानिंग चलता है कि अभी ये करेंगे वो करेंगे, और फिर कभी उनको लगता है कि हाथ से निकल रहा है, कभी हाथ में आ रहा है, और उन दोनों का वो द्वंद्व चलता रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अच्छा मज़ेदार है वो सब। मुझे लगता है वो तो ह्यूमन बीइंग, हमको तकलीफ़ होती है, अभी भी लोगों को तकलीफ़ होती है, मतलब अगर आज एक लड़की, तुम मेरा इंटरव्यू ले रही हो तो तुम, अगर मुझे लगता है कि शायद तुम्हारे कलीग्स को भी लगता होगा अरे ये तो शायद तुम तुम्हारा खुद का कल शो भी शुरू कर सको, तो तुम्हारे साथ वालों को भी लगेगा अरे यार ये तो बहुत आगे चली गई, खुशी होगी नहीं होगी वो बात अलग है, पर वो इनसिक्योरिटी मुझे लगता है हमेशा होती है, पर अभी अभी थोड़ा टाइम मुझे लग रहा है कि चेंज हो रहा है। मैं अभी देखता हूँ कि काफ़ी सारे मेरे दोस्त भी हैं, मतलब हमारे यहाँ तो है कि जो जो कहने लगे कि हम लोग बच्चा संभालते हैं तुम तुम्हारा काम करो, तो एक काफ़ी पॉजिटिव एक पिक्चर दिख रहा है आजकल कि लोग अपने कलीग्स को या अपने मतलब लड़कियों को औरतों को दे आर सपोर्टिंग मोर, तो ये काफ़ी अच्छा है, और पर मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम और जाना चाहिए, पर जाएगा, पर वो जाएगा क्योंकि लड़कियाँ बहुत मेहनती है, लड़कियाँ बहुत मेहनत करती है, बहुत हार्ड वर्किंग की लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा होती है, उसके उसका तो कोई मतलब दो राय है नहीं उसमें, तो अच्छा है, ये एक अच्छा एक अच्छा सवाल भी अच्छा पूछा आपने कि अच्छा ये अच्छा और ये अच्छा इसलिए क्योंकि ये तो एक मिडिल क्लास में भी नहीं, ये तो झोपड़पट्टी में होने वाली इंसिडेंट है ना, वहाँ पर तो लोग बहुत ही इगोइस्टिक और इतना प्रॉब्लम है, वो मतलब औरत तो जो पैर की जूती है उसे इलिटरेसी का भी है, हाँ और वो आप अभी भी वहाँ इलिटरेसी भी है, पर अभी भी कई जगह और भी वही वही पे हो रहा है कि पुरुष तो मतलब पुरुष ही सब कर सकता है, औरतें हमें क्या सिखाएंगी, औरतों को क्या आता है, तो
वो एक अच्छा एक छोटा सा पॉइंट है इस सीरीज में और वो अच्छा अंडरलाइन हो गया ऐसा मुझे लग रहा है। सोशल मीडिया इज़ वेरी बिग, मतलब इट्स जैसे कि आजकल मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर आप ट्विटर पे भी कोई कंप्लेंट कर ले तो फटाक से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स दे रिएक्ट टू इट, तो ये अच्छा है एक्चुअली। सोशल मीडिया के फ़ायदे भी है गैर फायदे भी है, तो अभी तो सोशल मीडिया इतना बड़ा हो रहा है तो उसके साथ हमको तो वो तो हमारी लाइफ हो गई है, मतलब उनको उसके साथ ही जीना है अभी, और अच्छा है देखते हैं अगर जिसको फ़ायदा होता है उसको फ़ायदा होने। तो वेब सीरीज डिफरेंट कुछ नहीं है, सेम ही है, और हीरोस का मुझे अच्छा लगा, मैंने उनके पहली भी एक वेब सीरीज़ की थी स्मोक, वो भी काफ़ी फिल्म जैसे फिल्म से ज़्यादा अच्छी शूट हुई थी, और इसमें भी नीतीश ने अच्छा काम किया है, तो बहुत अच्छा डायरेक्शन किया उसने, बहुत अच्छे तरीके से शॉट डिविजन किया है और बहुत प्यार से जमा जमा कर उसने पूरे सीन्स वर्कआउट किए, एक्टरों के साथ काम करके ये करते हैं ये नहीं करते, ये अंडरलाइन करते हैं, ये सिचुएशन अंडरलाइन करते हैं, ये लाइन ऐड करते हैं, तो काफ़ी एक मुझे लगता है डायरेक्टर और एक्ट्रेस का एक कोऑर्डिनेशन अच्छा था, और जब मुझे लगता है कि जब एक्टर्स को लगता है कि ये सीन वर्कआउट हो रहा है, मतलब यह तो मुझे हमेशा लगता है कि जब एक्ट्रेस को लगता है सीन वर्कआउट वर्क हो रहा है तो हमेशा ऑडियंस विल रिलेट टू इट, तो ये उस वेब सीरीज का फायदा है। अच्छा इसके लिए लगा क्योंकि बहुत नहीं तो क्या होता है कि मोस्टली अरे गणेश यादव को एक काम करते वो अभी ये करें ना अंडरवर्ल्ड का करते नहीं अंडरवर्ल्ड नहीं तो एक काम कर वो पॉलिटिशियन का वो उसको होते नहीं तो एक इंस्पेक्टर ऐसा हमेशा क्योंकि वो निगेटिव के फ्रेमवर्क में रखा है हमेशा, पर मुझे अच्छा लगा कि हमारे डायरेक्टर साहब ने मेरे बारे में सोचा इस और ये जो रोल दिया है अलग सा अच्छा है, अच्छा कॉमेडी है, अच्छा इमोशनल सीन्स है, अच्छा उनका गिव एंड टेक है, तो काफ़ी मज़ा आया करने के लिए। अभी एक मराठी फिल्म है ऑनलाइन करके उसका काम चल रहा है, और एक फिल्म है उसका नाम मैं भूल गया पर वो मर्डर मिस्ट्री है, तो वो भी चल रहा है, और एक दो तीन वेब सीरीज का काम शुरू। थैंक यू। सोलो या साथ में? ओके, सो माय नेम इज़ शीला जो टाइटल है आपने कहा जैसे कि याद दिलाती है एक गाने की, सो देर इज़ माय नेम इज़ शीला, ये टाइटल में ही आपको समझ में आता है कॉन्फिडेंस दैट जो प्राइड से बताना चाह रही है कि मेरा नाम शीला है और मैं ये हूँ, जिसके अंदर कोई इनिबिशंस नहीं है, जिसके अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंस है, और सबसे अच्छा जो पॉइंट है उसके अंदर दैट इज़ सच्चाई। जब आप सच्चे होते हो ना तो आप किसी के चाचा से और किसी के नानी से डर नहीं सकते, तो वैसी है वो, और जिसकी राह ही सच्चाई की है ना उसको क्या है मैं कहाँ पे क्या चीज़ बेलूँ, उसका कुछ नहीं है। तो ये जो एक कॉन्फिडेंस है, ये जो जीने का कन्विक्शन है, ये हर किसी को एक इंसान को लगेगा कि यार ये कॉन्फिडेंस और ये कन्विक्शन चाहिए यार लाइफ में, अगर ये आ जाएंगे तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। सो दैट इज़ द ब्यूटिफुल पार्ट एंड एवरी ह्यूमन बींग वॉन्ट टू बी यू नो, जिसके लाइफ से ये सारी चीज़ें जो कॉम्प्लेक्सेस और ये सारा कुछ निकल जाए ताकि वो एक फ्री लाइफ जी सके। सो शीला इज़ अ फ्री बर्ड, उसको जो भी सामने आ जाता है कि अभी ये करना है ओके ये करना है तो अभी ये कर लेते हैं। सो ये बहुत ही ऐसे ज़िंदगी देखोगे तो एक ऑप्टिमिस्टिक लाइफ है, हम बोलते हैं कि ऐसा थोड़ी रियल ज़िंदगी में होता है, बट येस अगर आपके अंदर कन्विक्शन है और आपके अंदर वो अगर कॉन्फिडेंस है और वो जीने की तमन्ना है,
वो है अगर तो आप ऐसी जिंदगी जी लेते. ओके, आप यू नो बहुत ही गुस्से वाले लग रहे हैं जी. तो क्यों ऐसा, क्यों है वो? ऐसा इसलिए है क्योंकि क्योंकि जब किसी पॉजिटिव कैरेक्टर की असलियत दिखानी होती है तो एक नेगेटिव बंदा चाहिए होता है जो शायद उन्हें परेशान करे, सो दैट उन्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़े और हम सबको पता चल सके कि हमारी लाइफ में जैसे ऑब्स्टिकल्स हैं वैसे ही हर इंसान की लाइफ में होती हैं, बट हमें उसे चीला की तरह उनसे पार करना है. सो दिस बॉय इज़ बहुत ही सड़ू, बहुत ही एटीट्यूड वाला, एक इवेंट और कंपनी का ओनर है, यंग स्टाइलिश है, लेकिन जो पहली इंटरेक्शन शीला के साथ होती है लिफ्ट में, जो कि आपने प्रोमो में भी देखा है कि मैं उसको दबा रहा हूँ बटन और ये कहती हैं वोट नहीं डाला क्या, मतलब तो वहीं पे नाराज़गी शायद शुरू हो जाती है. तो ये उन लोगों को, ये कैरेक्टर उन लोगों को डिनोट करता है जो लोगों को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते क्योंकि उनके लिए टैलेंट से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप कैसे दिखते हैं या कैसे बोलते हैं एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. सो बट खूबसूरती ये है कि इन दोनों की जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही मज़ेदार है और एकदम चूहा और बिल्ली वाली इंटरेक्शन है जिसको देख के आप सबको बहुत मज़ा आएगा. एंड ऑल्सो कैसे ये हार्ट चेंज होता है फ्रॉम टू हेट हर टू एक्चुअली लव हर, सो विच इज़ अ ब्यूटिफुल पार्ट जिसके लिए आपको ये वेब सीरीज़ देखनी पड़ेगी. माय नेम इज़ शीला. डेफिनेटली ये इंस्पिरेशनल है. आप देखोगे शीला भी है जो बहुत ही इंस्पिरेशनल है, उसका लाइफ, वो जिस तरीके से जिंदा दिली से ज़िंदगी जीती है. हितेश का एक बहुत अलग टेक है इसके ऊपर. वो ऐसा है कि अपने लाइफ में जो इर्द गिर्द लोग हैं ना, हर कोई अपने लाइफ का हीरोइन और हीरो होता है, तो शीला अपनी लाइफ की हीरोइन है. तो नितेश का इसके ऊपर टेक था कि उसको ना हर कोई इंसान ऐसे अपने घर की मेड जो है उससे रिलेट कर पाए, क्योंकि इसका पर्सपेक्टिव, जिस पर्सपेक्टिव से ये वेब सीरीज़ दिखती है, हमेशा मेड अपने पर्सपेक्टिव से दिखती आई है. अब मेड की पर्सपेक्टिव से जब दुनिया दिखती है तो वो कितनी कलरफुल है. तो हितेश का जो ब्रीथ था कि कोई रिलेट कर पाए, इस वजह से दो इट इज़ इंस्पायर फ्रॉम रियल लाइफ कैरेक्टर, फिर भी हमने वो जो एक चीज़ें हैं उसमें रखी है कि जिसमें वो जिंदा दिली और जो हर कोई रिलेटिबिलिटी उसके साथ कर पाए, इसकी वजह से वो कुछ चीज़ें रखी है. तो हितेश का इनपुट था कि मुझे ये ऐसा ऐसा चाहिए और मैं उसी के दिखाए हुए रास्ते पे चल रही थी. दैट्स इट जी. जब ये वेब सीरीज़ मैंने साइन की तो तब उन मुझे पता चला कि ऐसा कोई है जिसने ये सब किया है. ऑब्वियसली इससे पहले नहीं पता था टू बी ऑनेस्ट, बट अगेन एट द सेम टाइम मुझे बहुत एप्रिहेंशन थे कि मैं करूँ या ना करूँ, बिकॉज मैंने हमेशा टेलीविज़न पे एक अच्छा लड़का बन के ही सामने आया हूँ और इसमें मैं बहुत ही गुस्से में और यू नो बहुत ही इनको प्रताड़ित करता हुआ दिखूँगा. सो आई वॉज लिटिल स्केप्टिकल, बट आई थिंक एज एन एक्टर वी नीड टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ एंड डिफरेंट कैरेक्टर्स इन लाइफ, और यही खूबसूरती है कि कैसे हम एक ही जिंदगी में इतनी सारी चीज़ें जी जाते हैं. सो इट वॉज इंटरेस्टिंग एंड एज अ को एक्टर आई थिंक स्मिता जी मेड मी फील सो कम्फर्टेबल कि हम लोग के सीन्स, मुझे लगता है कि इम्प्रोवाइजेशन ज़्यादा थे दैन द स्क्रिप्ट. डायरेक्टर खुद यू नो जब वो एक्शन बोलते थे और वो कट बोलना भूल जाते थे बीच में एक दो बार, क्योंकि हम लोग लगे हुए एक धनाधन 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 जा रही है हमारी लाइनें. एंड दैट्स वॉट इज़ द ब्यूटी, बिकॉज टीम वर्क इतना सॉलिड है. हम आई थिंक वी शेड अ ग्रेट रपो ऑफ स्क्रीन जो कि ऑन स्क्रीन आपको डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करेगी. ओके मैम, आप बहुत ही फन लविंग कैरेक्टर निभा रहे, कितना एंजॉय किया इस कैरेक्टर को? बहुत एंजॉय किया क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था. आपको एंजॉय करना ही पड़ेगा. जब आप ऐसे एंजॉय करते हो तभी वो रिफ्लेक्ट होता है स्क्रीन के ऊपर. और दूसरी चीज़ है कि वो टीम भी है ना, वो आपको सपोर्ट करती है कि आप एंजॉय करो, क्योंकि फिर एक टीम भी आपको स्पेशल फीलिंग देना शुरू कर देती है कि शीला ऐसी है अब ये. तो फिर ऑफ स्क्रीन भी आप ऐसे बात करना शुरू कर देते हो. जैसे अंकित पहली बार आया तो मैंने कहा ये कौन सा खड़ूस खानदानी है यार, कहाँ से आया है ये लड़का. तो मैंने कहा इसके लिए तो कैरेक्टर परफॉर्म करना बहुत ही आसान होगा. और जबकि मैं ऐसा नहीं हूँ. सुनो इसको क्या करना है, इसको तो बस बैठा रहेगा, इसका तो काम हो जाएगा पूरा. ऐसे में थी, लेकिन जब मैंने उससे इंटरेक्ट किया, ये कितना कॉन्ट्रास्ट लड़का है, ये कितना क्यूट चॉकलेट बॉय है जो सच में परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे ऐसे लगा. और वो उस इंच भी नहीं हिला वो जब भी परफॉर्म करता था, और टेक के समय और टेक ख़त्म भी हो रहा है जब तक बैठा है तो वो उसी स्टांस में रिलक्टेंट और ऐसे, और है नहीं, बहुत टॉकेटिव लड़का है, बहुत ही इंटरेक्ट करने वाला लड़का है. तो देखो ये चीज़ें होती हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है. और ये जो जैसे शीला का भी इतना कलरफुल होना और इतना जॉयफुल होना, तो मुझे ऐसे लगता है इट्स अ टीम वर्क, दैट्स व्हाई इट हैपेंड, इट्स नॉट जस्ट मी एंड यू नो 2-3 people. Done?
यार मैंने जैसे कि कहा कि हम लोग ऐसे टीम बहुत मज़े किए, हम लोग और सारी नाइट शिफ्ट करते थे तो ऐसे करके ऐसे नींद आ रही होती थी, 2-3 बज रहे होते थे, कोई कॉफ़ी पिला दो कोई, और स्पॉट दादा भी सो रहे होते थे। मैंने यहाँ पे खुद कॉफ़ी बनाई है बिकॉज रात को कोई होता नहीं था, बिकॉज ये रियल लोकेशन है, इट्स नॉट अ सेट जहाँ पे आपको हमेशा स्पॉट दादा या कोई मिलेगा। सो मैंने खुद कॉफ़ी बनाई, हम लोग रात को चाय ऑर्डर करते थे और यू नो आई थिंक इट वाज सो मच फन। इतनी बॉन्डिंग थी कि जब ये शो ख़त्म हो गई वेब सीरीज सीजन 1 का शूटिंग, तो मुझे लगा यार बहुत छोटा था यार, थोड़ा और होना चाहिए था। सो सच में ये बात, और ये ऐसा फील आना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आप जब एंजॉय करते हो ना, कभी आप हम क्या करेंगे, हम 24 आवर में 6 घंटा हम रहते हैं और हम 6 घंटे से ज़्यादा, मतलब 12 घंटे से ज़्यादा हम कैरेक्टर रहते हैं, तो फिर वो एंजॉय नहीं किया ना तो लाइफ तो मतलब जिंगल लाला। कसरत सेट पे तो ये देखो इसको खाते देखती ही मेरा एक्सरसाइज हो जाता था और ये बहुत एक्सरसाइज करता है और इसको देखते ही मेरा एक्सरसाइज हो जाता था। पर देखो मैं तो ऐसा है कि इतना हेक्टिक स्केड्यूल रहता है एक्सरसाइज करने का, अभी तो फिलहाल टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट आई एम डूइंग फिल्म विच इज़ बेस्ड ऑन स्पोर्ट्स, तो अभी मेरा एक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। बट आई बिलीव इन कसरत से ज़्यादा मैं बिलीव करती हूँ, आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो मुझे कोई एक गेम हो ना तो फिर मेरा होता है वो ऐसा शैतान बच्चा होता है ना जिसको बोलोगे 2 और 2 4, तो मैं बोलूँगी नहीं मुझे टॉफीज़ ला के रख दो, ये 2 टॉफीज़ ये 2, अब मैं बोलूँगी कि 4 टॉफीज़ होगी। सो मेरा ऐसा है थोड़ा ऐसे, ये इसके जैसा एकदम सिंसियर और पैशनेट नहीं हूँ मैं इसके बारे में, मुझे ऐसे लॉलीपॉप्स लगते हैं। बट आई जस्ट वॉन्ट टू से मैंने कभी ऑनेस्टली मैं मैम को इससे पहले नहीं जानता था, लेकिन अब मैं जब एक बात हो गई, मैंने स्मिता तांबे जाके जब गूगल किया, मैंने बोला भैया ये तो मराठी की स्टार हैं और मतलब शी हैज़ डन सो मच गुड वर्क एंड आई रियली फील मराठी कंटेंट इज़ अमेजिंग और मैम ने उसमें बहुत अच्छा पार्ट किया है एंड थिएटर जो है इनका वो आई वुड लाइक टू गो एंड सी वेरी यस, वो आ रहा है उनके पार्ला में या वो जी शो देखने के लिए आ रहा है। तो मैम वेब सीरीज को आप इतना मानते हैं कि आप उससे इसके नए लोगों को मौका मिलता है, क्योंकि जो फिल्म्स होते हैं तो वहाँ पे कई लोगों को नेपोटिज्म होता है, अगर आप बात करें तो नेपोटिज्म को आप इतना मानते हैं कि इस पर आप इतना मानते हैं? देखो मैं तो बाकी क्या बोलूँ, मैं सिर्फ काम को मानती हूँ और हर प्लेटफॉर्म पे जो काम हो रहा है उस काम को मानती हूँ, क्योंकि एक्चुअली इसी के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। अगर मैं किसी चीज़ में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रही हूँ तो मैं उसके बारे में क्या बोलूँ, सही बात है ना। आप अगर जैसे प्लेटफॉर्म मैं कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं कर पाऊँगी, जैसे जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है उसी में मुझे एज एन एक्टर एक्सप्लोर करना है, काम करना है, मैं एज एन एक्टर इतना ही कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ, मैं अपना बेस्ट टू बेस्ट कैसे दूँ। और ये सही कह रहे हो आप कि सच में वेब सीरीज़ और ऐसे कंटेंट आने की वजह से, ये ऐसे प्लेटफॉर्म आने की वजह से, उसके ऊपर इतने अच्छे अच्छे कंटेंट आने की वजह से, सच में कहीं कहीं छुपे हुए कहाँ कहाँ के कलाकार अभी ऐसे लाइमलाइट में आ गए हैं और इनको देखना एक विजुअल ट्रीट है, ऑडियंस भी उनको कितना लव कर रही है, हमें भी देखने में उनको कितना मज़ा आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चेंज है और उसको वेलकम करना चाहिए। सो आई रियली थिंक कि टेलीविज़न या फिर वेब सीरीज़ या फिर कोई भी कलाकार किसी भी कलाकार से कम नहीं है, क्योंकि हम सब एक ही काम करते हैं जो कि है एक्टिंग। अगर वो कांस में पहुंच गई हैं, उनकी फिल्म जो कि वहाँ पे ट्रेलर उसे किया है एंड शी लुक्स प्रिटी, सो व्हाई नॉट यू शुड एक्चुअली बी हैप्पी कि इंडिया से कोई वहाँ पे कांस में और भी इंसान पहुँचा है, विच इज़ अ ब्रेक थ्रू। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू हर, वो बहुत अच्छी दोस्त है मेरी और हम सब ने उनको सपोर्ट किया कि कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस। इन द एंड आई जस्ट वांट टू से हमारी वेब सीरीज़ 30 मई को लॉन्च हो रही है जिसका नाम है माई नेम इज़ शीला। आप सब प्लीज़ देखिए इरोस नाउ क्विकी पे। थैंक यू, थैंक यू। Side, side, side. Visual.